जी मैंने बोलूँ इनका लव लाइफ बहुत ही अच्छा है, आप लोग का एक ड्रामा है कि जो सब सुपर हिट जा रहा है। अब इनकी एंट्री का जो है आप वेट करें, इनकी तो एंट्री बस आने वाली है बस चंद दिनों में। जी बिल्कुल वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी भी एंट्री बहुत ही अच्छी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आप दुआ कीजिए जिया जी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल। एक्साइटमेंट शुरू हो गई है लोगों में, आपको बता दूं लाहौर आर ऑल अबाउट एक्साइटमेंट एनर्जी। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि मोमी राना के साथ, मोम्मा राना ऑफ कोर्स हम मोमी भी उसको इतने प्यार से बोलते हैं, उनके साथ का एक्सपीरियंस कल, वो और उससे पहले आपने फिल्म भी उनके साथ की हुई है लव में गुम। Of course, love में गुम, दीवाने तेरे प्यार के, दिल दीवाना, ऑल माई बेस्ट वर्क ऑन स्क्रीन इज मोमर एंड डेफिनेटली एज अ को स्टार ही इज़ अ फैबुलस फैबुलस को स्टार। द वे ही हेल्प्स इन द वे ही गेट इन्वॉल्व इन द रोल, यू नो विद मी स्पेशली, आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव टू से दिस, लाइक कल आई रिमेंबर बिल्कुल पहला दिन था और एक टोन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है जी। Can't you believe कि these people put me on two three dialogues which was I was not performing well because पहला दिन में it's not because अब rehearsals उस तरह नहीं होती जी। डायरेक्टर साहब ने और मोमर ने कोई 8-9 दफ़ा मुझे 2-3 लाइनों के लिए दोबारा इंसिस्ट किया दैट यू हैव टू डू इट अगेन, यू कैन डू, दे हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन मी एंड आई वॉज जस्ट लाइक ऑलमोस्ट क्राइंग काइंड ऑफ अ थिंग फिज़ा यस्टरडे, द काइंड ऑफ अटेंशन आई गॉट इट एंड दे सासु मुझे भी कह रहे हैं ये आज के लिए नहीं है क्योंकि तेरा पहला दिन है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है यहाँ पे, वी केयर फॉर ईच अदर। और मुझे नजर आ रहा था कि दे केयर फॉर ईच अदर और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट को माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है कि मैंने बहुत कम कराची में लाहौर के किसी प्रोजेक्ट के जो कि लाहौर बेस्ड प्रोजेक्ट होता है और चैनल बेस्ड लाहौर के कल्चर के ऊपर ऐसे कोई काम नहीं हो रहा है, ये वाहिद है जो हमारे लाहौर इस सेट इस प्रोजेक्ट से वो एक पंजाबी एलिमेंट शुरू हुआ है, सो यू कैन सी कि आप हर प्ले में सब लोग पंजाबी उर्दू मिक्स एक करेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराने शुरू हो गए, दिस इज़ लाइक अमेजिंग थिंग कि हम लोग अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने से या पंजाबी बोलने से मना करते हैं, कल्चर से हटा रहे हैं, कल्चर से हटा रहे हैं और हमें ये चीज़ इतनी सीखने में मिल रही है। टेलीविज़न हमेशा से इसीलिए कहते हैं कि आप इस पर पॉजिटिविटी दिखाएँ, ओरिजिनलिटी दिखाएँ और लोगों को सिखाएं कि उनका अपनी बेस क्या है, उनका कल्चर क्या है। सही बात है, क्योंकि इट्स अ रिच कल्चर, या दीस प्लेस आर टीचिंग आर न्यू जनरेशन सो मच दैट व्हाटएवर आप बेशक अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से पढ़ें लेकिन आप अपनी लैंग्वेज, अपनी जुबान, अपना एक्सप्रेशन नहीं भूलें। अब यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई सी स्पेनिश जो है वो अपने एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है, वो किसी का एक्सेंट नहीं अपनाता है। बिल्कुल, यू नो चाइनीज अपने बोलते सब अंग्रेजी हैं लेकिन वो किसी का एक्सेंट नहीं अपनाते हैं। अगर हमारा पंजाबी एक्सेंट है और हम उसमें अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, किसी भी मुल्क में चले जाएं आप, उनकी जाके उनकी अगर लैंग्वेज नहीं बोलेंगे वो माइंड करते हैं, वो माइंड करते हैं। आप लैंग्वेज ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट कि आप दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखें और बोलें, नॉलेज है लेकिन एटलीस्ट अपने कल्चर को अपने अंदर रखें, यू नो आप किसी का कल्चर कॉपी नहीं कर सकते, यू कांट, लैंग्वेज यू कैन माइट बट नॉट द कल्चर एंड नॉट द एक्सेंट, एक्सेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पठान अगर अंग्रेजी बोलेगा तो वो अपने उस टोन को बरकरार रखेगा। एक्चुअली यू हैव टू बी प्राउड व्हाट यू आर एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, दैट आई लर्नड वाचिंग लव लाइफ लाहौर एंड ऑफ कोर्स फॉलोइंग अदर प्लेज इन दीज डेज, कि जो बेशक वो अमीर से अमीर औरत है या लेकिन उसने अपना एक टच जो उसकी पर्सनैलिटी का है या उसके शहर का है वो नहीं उसने छोड़ा, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ सो नेचुरल। एंड आई थिंक आपका भी ये लव लाइफ लाहौर में एंट्री जो है, आपको जब स्क्रिप्ट मिली होगी, आपको जब कॉन्सेप्ट पूरा पता चला होगा इन सारी बातों के जो बारे में, अगर आपको दे आस्क मी परफॉर्म मी ओनली, कल्चर की भी वजह से एक चीज़ें जो है वो ज़्यादा, ऑफ कोर्स दे उन्होंने मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा, राइटर साहब ने कहा कि आपने आप परफॉर्म करना है, दिस इज़ अ सोप और ये हर घर में देखा जाता है और लोग इसे रिलेट करते हैं, तो वी आर नॉट ऑफरिंग यू समथिंग वेरी डिफरेंट जो आपकी पर्सनैलिटी से हट के हो, जो आप अपने घर में भी हैं and you can relate with the role and this is the best thing I'm going to get and learn of course from this set. Inshallah khair offer se shakar offer 2 ki taraf zara dobara rukh karti hu kyunki ek aur call hai mere sath aur dene hain bahut sare gift hampers, so dekhte hain ye hamare sawal ka kya jawab deti hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Good morning. Jaan ki call hai. Mrs. Kamran, थैंक यू सो मच फिजा, सो नाइस ऑफ यू. सबसे पहले तो मैं आपको आपकी टीम को अप्रिशिएट करूंगी, बड़ी क्रिएटिव
और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मेहनती टीम है। अल्लाह ताला आपके शो को बहुत बहुत तरक्की दे। सच्ची जब कॉल करती हूँ, जो कॉल अटेंड करते हैं आपकी टीम से, और आप इतने अच्छे तरीके से हो और बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। हाय क्यूट, आपकी आवाज़ एकदम से कम हो गई और मैं ना स्क्रीन के नीचे ऐसे ऐसे इशारे कर रही हूँ कि साउंड टेस्ट करें, मगर आप खुल के बता दिया साउंड टेस्ट कीजिए, आवाज़ कम आ रही है, ज़रा आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ अच्छा जी, आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ। ये बताइए कि शाहकार ऑफर टू की स्टार्ट और एंडिंग डेट जो है, बस वो बता दीजिए। जी उन ये जो स्टार्ट हुई है वो 10th of May से शुरू है और 30th of June तक है, और जिसमें कम से कम 200 तक का आप बैलेंस जो है। अच्छा मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, मैं दोबारा ऑप्शंस देती हूँ। ऑप्शन वन दूँ? जी जी मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, जरा आपको चांस देती हूँ दोबारा। स्टार्टिंग डेट जो है वो 10th of May। नहीं मैं आपको हिंट देती हूँ, चॉइस देती हूँ, दो चॉइस देती हूँ। पहली फर्स्ट या एक महीना पहले या एक महीना बाद, मगर फर्स्ट डेट फर्स्ट है, और एक महीना पहले या एक महीना बाद। ऑप्शन एक महीना पहले, फर्स्ट ऑफ मे। फर्स्ट ऑफ मे हाँ जी, नहीं, और 30th of June नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी मिसेस कैमरन, अच्छा खासा गिफ्ट हैम्पर आपका रह गया, मैं अब क्या बोलूँ, मगर 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 क्या करूँ, दे दूँ क्या है ये मिसेस कैमरन, 10 अप्रैल से 30 जून तक की जो है वो डेट है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको हिंट भी दिया था फर्स्ट, आगे ज़ीरो लगाना था। सो सॉरी मिसेस कैमरन, बट आई लव यू, इतनी आप प्यारी प्यारी कॉल करती हैं, आई एम सो सॉरी, काफ़ी कोशिश की मैंने हिंट देने की, मगर एनीवे वक्त हुआ चाहता है कि एक हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, कितनी अच्छी लाइन है ये कह के बस, हार जीत जिंदगी का हिस्सा, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, मगर इस दफा मैं नहीं बैठूंगी, मेरे सामने बैठी है जी अली जी, तो आप उस कैमरे पे अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को ब्रेक पे भेजिए। गॉड फिजा, आई लाइक why don't I do morning shows and all that? आपको देखने आए लोग, मैं आपको बता रही हूँ कि आप आज आप अपने फैंस के साथ ना, भाई सिंपल सी बात, हम लोग कर रहे हैं इस वक्त बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक मॉर्निंग शो फिज़ा अली के साथ, और यूफोन की ब्रांडिंग है आज, बहुत कलरफुल ब्रांडिंग है आज, आप देखते रहिएगा ये मॉर्निंग शो। हम अभी एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। वू लवली, क्या बात है।